आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज संघ का इलाहाबाद प्रयाग के झूसी स्थित भगवान श्री ऋषभ देव तपस्थली जैन मंदिर में 7 दिसंबर को भव्य मंगल प्रवेश हुआ। प्रवेश के पश्चात सर्वप्रथम संघ ने जिन दर्शन किए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज एवं निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज संघ का मंगल मिलन 7 दिसंबर को अतिशय क्षेत्र शिरपुर में हुआ। स्थानीय जैन समाज दोनों श्रवण संघ के मिलन का साक्षी बना। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज संघ मंगल विहार करते हुए मध्य प्रदेश जबलपुर पहुंचे, जहां राजी में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान समस्त जैन समाज गुरु संघ के साथ रहा। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज प्रवचन केसरी मुनिश्री विश्रांत सागर जी महाराज का मुनिश्री अविचल सागर जी महाराज संघ से वात्सल्य मिलन 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश झांसी में हुआ। इसके पश्चात संघ के सानिध्य में धर्मसभा का आयोजन हुआ। श्री समेत शिखर जी के संरक्षण एवं पवित्रता व स्वच्छता के लिए नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें योगदान देने के लिए उत्तर प्रदेश मनावा की जैन समाज ने 7 दिसंबर को रैली निकाली, जिसमें समाज के लोग हाथों में धर्मध्वज लेकर चल रहे थे। मरते हुए श्वान को अमोकार मंत्र सुनाकर जीवनधर स्वामी ने जीव दया का कार्य किया था। इसी प्रकार अतिशय क्षेत्र तेजारा जी की ओर विहार करते हुए आचार्य श्वेतवीर जी महाराज ने मुंडाना ग्राम के निकट सड़क के बीच में गंभीर रूप से घायल श्वान को अमोकार मंत्र सुनाया, जिसके बाद वह जीव स्वयं खड़ा होकर चलने लगा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य मुनिश्री प्रश्न सागर जी महाराज मुनिश्री अनुपम सागर जी महाराज एवं मुनिश्री साध्य सागर जी महाराज का शीतकालीन वाचना हेतु मध्य प्रदेश के धर्मनगरी सिवनी में 8 दिसंबर को मंगल प्रवेश हुआ। प्रवेश के पश्चात गुरुदेव ने जिन दर्शन किए, इस दौरान भक्तों को गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त हुआ। राष्ट्रसंत मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली के लाल किले पर परवादी राष्ट्रीय समेत शिखर जी के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें सहभागिता करने के लिए विभिन्न स्थानों का समाज पहुंच रहा है। इसी कड़ी में आरिका श्री विरम्या श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में भारतीय जैन मिलन ग्वालियर एवं विहर्ष परिवार द्वारा आयोजन की पत्रिका का विमोचन किया गया, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुँचने की अपील भी की। जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थराज समेत शिखर जी की पवित्रता एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, जिसको लेकर टेम्पो रथ नौगामा से समेत शिखर जी बचाव हेतु रवाना हुआ, जो नौगामा बागी द्वारा बड़ोदिया कलिंजरा में 10 दिसंबर तक प्रचार करेगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के पहुँचने हेतु प्रोत्साहित भी करेगा। गढ़नी आरिका श्री विशुद्धमती माताजी सत्संग का मंगल विहार श्री समेत शिखर जी के लिए चल रहा है। 6 दिसंबर को आरिका संघ का विहार मध्य प्रदेश सिहोनिया मोड़ गुरुद्वारा मालनपुर से हुआ। विहार के दौरान श्रद्धालु गुरु मां संघ के साथ चल रहे थे।